जल निकासी की समस्या को दूर करने के लिए आज मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र के राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद ने कांटी अंतर्गत कोल्हुआ पैगंबरपुर पंचायत के बिसहर स्थान के निकट एवं दादर कोल्हुआ में बने सुलु इस गेट को खोलवाने के लिए वाटर वेज के अधिकारियों से बात की और जल निकासी की समस्या को दूर करने हेतु सुलु इस गेट पानी निकासी द्वार को तत्काल में खोलवाया। राजद के पूर्व विधायक प्रत्याशी मोहम्मद हैदर आजाद ने बताया कि इस द्वार के खुल जाने से आदर्श ग्राम गली नंबर 1, गली नंबर 2 एवं गली नंबर 3 अयाची ग्राम जगदम्बा नगर गांधीनगर पुरानी मोतिहारी रोड अशोक विहार कॉलोनी कोल्हुआ पैग बरपुर बैरिया बस स्टैंड के इर्द गिर्द के लोगों को जलजमाव से राहत मिलेगी। लगातार जल जमाव की समस्या से लोग परेशान है, पुलिस गेट खुला गया, कितने फायदे पहुंच सकते हैं इससे? हम बीते दिन कल कोल्हुआ पैगंबरपुर के अयाची ग्राम आदर्श ग्राम के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वार्ड, इससे पहले जगदम्बा नगर और कोल्हुआ पैगंबरपुर के विभिन्न वार्ड, सभी वार्डों में हम गए। जल जमाव में नारकीय स्थिति है। उसके बाद हमने वहां पे वाटर प्रोजेक्ट के एक्सिक्यूटिव इंजीनियर महोदय से मैं बात किया, उसके बाद उन्होंने जूनियर इंजीनियर महोदय को भेजा। यहाँ देखने के बाद हम लोग प्रयासरत रह के कल से लेके आज तक इस सुलुस गेट जो कोल्हुआ पैगंबरपुर विशार स्थान पर है, उस सुलुस गेट खुलवाने से तेजी में पानी निकल रहा है, जिससे कोल्हुआ पैगंबरपुर जगदम्बा नगर अयाची ग्राम आदर्श ग्राम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये जितने लो लाइन लोग मोतिहारी रोड से उत्तरी भाग बैरिया बस स्टेशन से उत्तरी भाग पुलिस लाइन तक जितने हैं बस्ती बसे हुए, ये सब पानी दो फाटक, एक ये सुलुस गेट एक दादर कोलुआ वो भी खुलेगा नीम चौक के पास, दोनों खुलने से यहाँ से पानी निकासी होगा, जिससे जल जमाव की समस्या से निजात मिलेगा, लोग आम जन अच्छा से जिंदगी गुजर बसर करेंगे। अभी नारकीय स्थिति है, जो सांप गोजर और बहुत से माने कीटाणु है, जहरीले कीटाणु निकल रहे हैं, आने जाने में कठिनाइयां हो रही है सब लोग को, ये सब लोग निजात मिलेंगे। हमको लगता है कि 2 से 3 दिन में 4 दिन में सारा पानी उधर से अगर स्थिति बनी हुई रही, ऊपर से बारिश और नहीं पानी हुआ, तो सब पानी धीरे धीरे खींच लेगा, पानी बहुत तेजी में बहाव हो रहा है। इस कार्य से ग्रामीणों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। उक्त स्थल पर वाटर वेज के जूनियर इंजीनियर प्रतुल्य कुमार, विनोद भगत, नगेंद्र कुशवाहा, विनोद शाह, नीरज सहनी, बुलबुल पासवान, मोहम्मद फिरोज, किशन चौधरी एवं अन्य ग्रामीण भी मौजूद रहे। खबरों में बने रहने हेतु चौपाल संवाद को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।